नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। जलवायु की आवश्यकता अनुसार फ्रूट का जो वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार है। ट्रॉपिकल फ्रूट्स, आप लोग जानते हैं हमारे भारतवर्ष देश में लगभग सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और जलवायु तीन प्रकार की होती है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। उष्ण, उपोष्ण एंड शीत जलवायु। तो इस प्रकार से जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है, उस जलवायु होती है, उनमें जहाँ जिस स्थान पर उस जलवायु पाई जाती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाती है, वहाँ जो फ्रूट ग्रो किए जाते हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल फ्रूट कहते हैं। इस प्रकार से सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ पाई जाती है, जो सब ट्रॉपिकल उपोष्ण जलवायु जहाँ पाई जाती है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाती है, वहाँ जो फूल ग्रो किए जाते हैं, फल उत्पन्न किए जाते हैं, उनको हम सब ट्रॉपिकल फ्रूट कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन वेयर द फ्रूट्स आर ग्रोन वी गिव द नेम एज देम। यहाँ पे जो फल जिस जलवायु में ग्रो किए जाते हैं, उसी क्षेत्र की जलवायु के अनुसार उनका नोमेनक्लेचर कह देते हैं। तो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में एरियाज में जो फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं उनको सब ट्रॉपिकल फ्रूट कहते हैं। टेम्परेट फ्रूट्स, जो टेम्परेट क्लाइमेट में फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं उन्हें हम टेम्परेट फ्रूट या शीत जलवायु वाले फल कहते हैं। अब ट्रॉपिकल फ्रूट्स क्या होते हैं? रीजन, क्षेत्र हैविंग नो डिस्टिंक्ट विंटर एंड समर। ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा कि उपोष्ण ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होती है। ट्रॉपिकल फ्रूट रीजन, ऐसे क्षेत्र हैविंग नो डिस्टिंक्ट विंटर एंड समर, जहाँ पे गर्मी और जाड़ा का कोई एक निश्चित मापदंड नहीं होता है। ऐसे प्लेस विद हाई रेनफॉल तथा उसमें वर्षा जो होती है काफ़ी मात्रा में होती है, एंड डू नॉट हैव शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर, तथा रात और दिन के तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं होता। तो ये ऐसे रीजन जो होते हैं उष्ण रीजन में आते हैं, और यहाँ पे जो फल के ग्रो किए जाते हैं, उनमें उत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें हम ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहते हैं। इसमें विशेष करके फल जो उत्पन्न किए जाते हैं वो ट्रॉपिकल फ्रूट्स में बनाना, पाइनएप्पल, केला, अनानास, जैक फ्रूट, कटहल, मैंगो, आम, कोकोनट, नारियल तथा पपाया। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि समुद्र के किनारे जितने भी क्षेत्र होते हैं लगभग वो उष्ण जलवायु में आते हैं, क्योंकि समुद्र किनारे आप लोग देखें, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपका मद्रास हो, चेन्नई हो, ये सब जगह उष्ण जलवायु पाई जाती है, ज़्यादातर मौसम गर्म बना रहता है। तो इन सब क्षेत्रों में जो फल उगाए जाते हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल फ्रूट की संज्ञा देते हैं या उष्ण फल कहते हैं। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, देयर इज नो डिस्टिंक्ट विंटर, देयर इज ए डिस्टिंक्ट विंटर, सॉरी, यहाँ पे एंड समर, यहाँ पे जो गर्मी सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं, यहाँ पे गर्मी और जो सर्दी का मौसम है वो बिल्कुल स्पष्ट रहता है। गर्मियों के दिन में काफ़ी मात्रा में गर्मी पड़ती है और जाड़े में काफ़ी जाड़ा पड़ता है। ड्यूरिंग विंटर द विंटर टेम्परेचर मे टच 0°C, सर्दी दिनों में लो हम नहीं पढ़ाएंगे इसकी बात सुन लेने, तो पहले हटा लो, बोल लो पहले तुम, लो हटा, बंद कर दो ना थोड़ी देर इसको। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स मैंने आपको जैसे बताया कि देयर इज ए डिस्टिंक्ट विंटर, यहाँ पे जाड़े में अच्छा बिल्कुल स्वच्छ जाड़ा पड़ता है और जाड़े का आभास होता है कि जाड़े का मौसम है, तथा गर्मियों में काफ़ी हद तक गर्मी पड़ती है। जाड़े के दिनों में यहाँ पे टेम्परेचर 0°C तक पहुँच जाता है, तथा गर्मियों में 45°C तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। कहने को मतलब यहाँ गर्मी में खूब भयंकर गर्मी पड़ती है तथा सर्दी में भयंकर सर्दी पड़ती है। यहाँ जो फल ग्रो किए जाते हैं वो हैं आपके आंवला, गुआवा, अमरूद, पोमग्रेनेट, अनार, इनोना, सीताफल जिसे हम लोग बुंदेलखंड की भाषा में कहते हैं, या कस्टर्ड एप्पल, करौंदा। टेम्परेट फ्रूट्स, फ्रूट ट्रीज विद चिलिंग रिक्वायरमेंट, ऐसे फल जिनकी रुकाए चिलिंग निम्न तापक्रम की आवश्यकता होती है, जिनमें वो पत्तियां गिरा करके सुसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं 2-3 महीने के लिए। जो ऐसे फल हैं, पाले वृक्ष हैं, वो टेम्परेट
फ्रूट प्लांट्स कहलाते हैं, जो कि शीत जलवायु वाले, जैसे हिमाचल प्रदेश आपका है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ जो फल ग्रो किए जाते हैं वो टेम्परेट फ्रूट्स कहलाते हैं। यहाँ पे फलों को चिलिंग रिक्वायरमेंट निम्न तापक्रम की आवश्यकता जा सके 2-3 महीने के लिए, लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाता है, तो ऐसी जिसमें वो उसमें की पूरी पत्तियाँ गिर जाती हैं, तो ऐसे फलों को हम टेम्परेट फ्रूट्स कहते हैं। अब इसको मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। अगर मान लीजिए जो आपका जैसे कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो कन्याकुमारी साउथ इंडिया में है, और वहाँ से वो चूँकि समुद्र किनारे है, वहाँ पे समुद्र किनारे जितने प्लेस होते हैं गर्म होते हैं, तो वहाँ गर्म जलवायु हो गई। वहाँ जैसे जैसे हम दूर बैठते हैं तो इस प्रकार से सब ट्रॉपिकल, जैसे आपका जो MP है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, भारत का मध्य भाग है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है। तो ये क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन है। और जैसे जैसे हम पहाड़ों पर बढ़ते जाते हैं तैसे तैसे मौसम ठंडा होने लगता है, तो दैट इज टेम्परेट रीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग बिहेवियर, फलों के पकने की आदत के अनुसार पे हम फलों को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज क्लाइमेटिक फ्रूट्स एंड नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स। कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि पेड़ पे फल पे भी पकते हैं और उनका पाल भी लगाया जा सकता है। पाल का मतलब कच्चे तोड़ करके हम लगा देते हैं पकने के लिए, जैसे आम, तो ये सब क्लाइमेटिक फ्रूट्स हैं। अदर वे में आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, इन क्लाइमेटिक फ्रूट्स एक्सपीरियंस ए सडन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पायरेशन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, पकने के समय अचानक उसमें जो श्वसन क्रिया है वो बढ़ जाती है। ऐसे फलों को हम क्लाइमेटिक फ्रूट कहते हैं, जैसे मैंगो, गावा, पपाया, बेर, एप्पल, इन्हें जल्दी ख़राब होने वाले रहते हैं, ये पेरिसिबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है, इनमें जल्दी ख़राब होने लगते रहे। नेक्स्ट नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स आर दोज फ्रूट्स इन विच देर इज स्मॉल डिक्लाइन इन रेस्पायरेशन रेट एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, इसमें उसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन क्लाइमेटिक, इसमें रेस्पायरेशन जो है वो राइपनिंग समय एकदम से घट जाता है, जबकि क्लाइमेटिक में राइपनिंग समय टेम्परेचर रेस्पायरेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, श्वसन क्रिया इंक्रीज बढ़ जाती है। नॉन क्लाइमेटिक लेमन, लाइम, ग्रेपफ्रूट, प्यूमेलो एंड मैंडरिन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ बेरिंग हैबिट, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन, जो कि फल उत्पादन की फल बियर करने की आदत के अनुसार फलों का वर्गीकरण। इसमें टर्मिनल बियर होते हैं, टर्मिनल बियर आप लोग जानते हैं, जब फल